फ्रेंड्स आ चुके हैं हम लक्ष्मी नगर। तो फ्रेंड्स लक्ष्मी नगर आए हैं क्योंकि कल अपने को तो कल वृंदावन जाने का प्रोग्राम है। फिलहाल अभी रात के बज रहे हैं 1:15, तो जल्दी से सोते हैं और सुबह उठेंगे 5 बजे या 4:30 बजे, बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे सुबह। तो फ्रेंड्स सुबह हो चुकी है और हम जा रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 12:15 बज रहे हैं। दोपहर हो रही है, ऐसी बात है मत करो, तुम्हें सुनने को मिलेगा। ये वही तो, ये हो रही है दोपहर, ये सब डलेगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, डलने दो। मैं तो वैसे ज्यादा बोलता हूँ। नहीं, इसको लिया नहीं है मैंने, अभी कच्चे में नहीं लिया। सही तो लग रहे हैं और क्या। तो अब जब निकल रहे हैं, बस अब हम गाड़ी में बैठने वाले हैं जाके, और उधर जाके डिसाइड होगा कहाँ जाएंगे। कहाँ जाएंगे देखेंगे। तो कपड़े पहन लिए तो इसलिए दिखा दिया, पहले नहीं पहने थे। तो फ्रेंड्स बस अब निकलने की तैयारी हो रही है। चलो अब हम भी बैठते हैं, गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करते हैं। साफ सफाई करी ली हमने गाड़ी की। हाँ, बहुत गर्म हो गई भाई गाड़ी, बहुत गर्म हो गई, बहुत ज्यादा गर्म हो गई। मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया, क्या पता नहीं कितनी देर में आएंगे वो लोग। तो फ्रेंड्स अभी हमने छोटा सा ब्रेक लिया हुआ है खाने के लिए, मन कर रहा था चाय वगैरह पीने का और मौसम भी बढ़िया हो रहा था। मौसा जी, तो अभी फिलहाल छोटा मोटा खाएंगे पियेंगे, देखते हैं। तो क्या क्या ऑर्डर हुआ है अभी? अभी परांठे ऑर्डर हुए हैं, बढ़िया। तो भाई बहुत बढ़िया खाना लगा हमें ढाबे का, बहुत ही शानदार खाना है। खाना कैसा लगा यार? खाना कैसा लगा ये बता। अरे ये मत दिखाओ, मेरे को बार मत दिखाओ, काट देना ये मेरा खाना। नहीं काटूंगा, काटना पड़ेगा। अरे काट दूंगा, अंदर डाल दूंगा अंदर। हाँ जी, मैंने आलू का परांठा खा लिया है। हमें बीच हाईवे पे पड़ा, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया खाना। प्लीज, माय नेम दिलीप कुमार, दिस NH-19 हाईवे हियर फ्रॉम 35 किलोमीटर Varsana and 55 Mathura Vrindavan also, the same tripping. My hotel 24 hour is open here. Are you getting any every service to where? Everything demand your choice full here. Best place, farmhouse area. Thank you. तो फिलहाल अब चलते हैं हम यहाँ से, क्योंकि खाना पीना हो गया अपना दोनों। साहिल क्या हुआ? मौसी जी है, मौसी जी। अरे आप इस गाड़ी में बैठ जाओ ना, चलते हैं, अदला बदली कर लो। तो फ्रेंड्स चलते हैं।
चलते हैं, मौसम है बढ़िया। तो यहाँ पे भी ब्लॉग चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ पे ये खड़ा हुआ है। अभी रेस हो जाए, रेस करेगा चलो, लेकिन कहाँ रेस कर पाएंगे यार, यहाँ पे सब बड़े हैं बैठे हुए, यहाँ झूला झूल रहे हैं। मौसी जी झूला झूल रही है। तो फ्रेंड्स, राधा रानी के महल में एंट्री मार ली हमने, अब सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है। अब सीढ़ियाँ चढ़नी है बस, तो धीरे धीरे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के चले जाएंगे रेस्ट ले लेके। बहुत बढ़िया, कसम से बहुत गजब यार। ये ग्रीनरी देख के ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी ऐसी ग्रीनरी होनी चाहिए हर जगह। है साउथ दिल्ली में, लेकिन उधर भाई साहब क्या नज़ारे हैं हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा नज़ारे हैं, लेकिन हम घूमे कहीं नहीं है ज़्यादा। ब्रिज से देखिए बहुत दूर तक, बहुत बढ़िया आ रहा है, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया, हवा बढ़िया चल रही है, बहुत गजब यार। ये ग्रीनरी देख के ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी ऐसी ग्रीनरी होनी चाहिए हर जगह। है साउथ दिल्ली में, लेकिन उधर रहते नहीं आप। क्या नज़ारे हैं हमारे इंडिया में, बहुत ज़्यादा नज़ारे, लेकिन हम घूमे कहीं नहीं है।
भाई कसम से कह रहा हूँ, दर्शन बहुत अच्छे हो गए, वापस जा रहे हैं भाई, कसम से कह रहा हूँ दर्शन बहुत अच्छे हो गए, वापस जा रहे हैं, वापस से नहीं, वापस नहीं जा रहे हैं, अभी कहाँ जा रहे हैं? रंग रंग जी का वो मंदिर है ना, महल, रंग महल है, यहाँ जन्मभूमि जाएंगे, देखते हैं अभी क्या प्रोग्राम बनता है। और भैया मैं इससे बना रहा था, इसमें बोलना था, जो आप बोलना, चलो अब हम कहाँ पर जा रहे हैं ये बताओ। अब हम सोच रहे हैं या तो जन्मभूमि जाने की या रंग महल जाने की। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर था वो? मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर कुछ ऐसे ही था। अब नीचे उतर रहे हैं, सीढ़ियां देखो कितनी गहरी है। अपने फ्रेंड्स कीर्ति मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। अब हम कीर्ति मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं और फिलहाल क्या है कि हम टाइम कितना हो रहा है, 7 बजे वाले हमारा प्लान था कि वहाँ पे जाएंगे जन्मभूमि, लेकिन फिर हमें दिखा ये मंदिर भी है, तो इस मंदिर ये भी बहुत फेमस है, बहुत सारी रील आई थी, तो अब इसको भी दर्शन करके चलते हैं। हाँ तो दिखाओगे फ्रेंड्स, ये है कीर्ति मंदिर। प्रेम मंदिर की तरह ही है, प्रेम मंदिर की तरह है, बिल्कुल प्रेम मंदिर की तरह, बड़ा ही बढ़िया। लेकिन यार फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, क्या हुआ हम बना लेंगे, बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जितनी भी देर अगर वृंदावन में हम हैं, ये परेशान आए वैसे तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अब तक जितनी भी देर हम रहे हैं, इतने प्यारे मंदिर बनाए कि यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा आप लोगों का, इतने प्यारे मंदिर हैं। हर एक मंदिर की एक नई कहानी है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा
अंदर तो फोटो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं अंदर फोटो अलाउड नहीं थी, नो वीडियो भी अलाउड नहीं, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो फिलहाल मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूं, बाहर का इतना प्यारा नज़ारा है। बाहर आपको मैं बताऊं इतनी प्यारी वाटिका बना रखी है सजावट, मतलब कितनी प्यारी अंदर से कर रखी है सजावट डेकोरेशन, इतनी प्यारी चीज़ें बना रखी है, छोटी छोटी झांकियां हैं, यहाँ फोटोग्राफी हो रही है। और मैं आपको दिखाऊं ये देखो कितनी प्यारी बाहर झांकी लगा रखी है, कितना प्यारा दर्शन है, कितना अच्छा लग रहा है। आपको दिखाता हूँ इतना अच्छा मंदिर है, देखो अंदर से दर्शन इसलिए नहीं करवाए, फोटो और वीडियो लेना मना है, क्योंकि अगर हम अंदर ही पूरा मंदिर कवर करके वीडियो के थ्रू दिखा देंगे ना ऑडियंस को, तो मंदिर के दर्शन कौन करने आएगा, लोग व्लॉग में ही देख लेंगे सारी चीज़ें। तो इस वजह से आप ये देखिए कितना प्यारा कितना सुंदर नज़ारा है, इतनी प्यारी चीज़ है यार भाई, ये देखिए ये दोनों साथ में हैं। पर आप मोर का पंख देख सकते हैं नीचे कैसे हवा देने के लिए बनाया गया है, किस तरीके से इसको तैयार किया गया है ताकि मोर के पंख के ज़रिए हवा मिल सके भगवान को। चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको, वो दिखा दिया मैंने, और आप ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर बहुत ही बढ़िया नज़ारा। और मैं आपको बताऊं यहाँ आने का मतलब जाने का मन नहीं कर रहा, आने के बाद मन कर रहा है कि यहीं बैठे रहो सुबह तक, लेकिन जो जो एक एक चीज़ बनाई गई है ना बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर बनाई गई है, बहुत अच्छी बहुत अच्छे दर्शन है, बहुत ही मन की शांति बहुत मिलेगी आपको। फिलहाल यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं हम, फिलहाल यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं हम, बिल्कुल घर वालों को ढूंढ रहे हैं, घर वाले वहाँ पे हैं, वो रे सामने ये देखो फ्रेंड्स लाइटिंग बहुत ही प्यारा बहुत ही शानदार मंदिर कीर्ति मंदिर, मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है, मज़ेदार, जल्दी चल रहे हैं टाइम हो रहा है, हाँ जल्दी जल्दी चलना है अब क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, हमें मथुरा भी जाना है, वहाँ पे जन्मभूमि के दर्शन करने, दिल्ली के लिए भी निकलना है, दिल्ली के लिए भी निकलना है, यहाँ भी अभी निकले या सुबह निकले देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आए हैं रॉयल किंग होटल, हाईवे के बीच में पड़ता है, खाना खाने के लिए मस्त एकदम, तो अभी देखते हैं क्या क्या आइटम है यहाँ पे खाने की।
तो फ्रेंड्स खाना पीना हो चुका है हमारा, खाना पीना अब यहाँ से फ्री। हाँ बहुत बढ़िया खाना था, पेट हो गया फुल, ऊपर तक फुल हो गया बढ़िया। अब हम जा रहे हैं गाड़ी में, अब सिर्फ रुकेंगे टी ब्रेक के लिए, टी ब्रेक के लिए रुकेंगे। सीधा दिल्ली में शूट हो रहा है क्योंकि हम वापस आ गए थे रात को, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। तो ये और मैं आए थे धुलाई करवाने, पता क्या है बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया और रात को फिर हम थक के सो गए थे। फिर मैं दिल्ली आ गया था और दिल्ली में आने के बाद अपने घर आने के बाद यहाँ पे गाड़ी धुलवा रहा हूँ। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, कोशिश करूँगा और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स आते रहें।